दिल्ली में रेहड़ी पटरी और ठेले बहुत दिखे होंगे जो आपको प्यार से या कभी कभी गुस्से में फास्ट फूड या खाने के सामान बेचते हुए दिख जाएंगे और लोग बड़े चाव से इसका लुत्फ भी उठाते हैं, कुछ गुस्सा भी हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी को रोकर खाने की चीजें बेचते हुए देखा है? नहीं ना, कोई बात नहीं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, आपके फोन पे भी अभी तक आप देख चुके होंगे। इसमें एक लड़की दिल्ली की सड़कों पर रोते हुए वड़ा पाव बेचती हुई नजर आती है, जिसकी चर्चा काफी तेज हो रही है। और आपको ये भी बता दें कि उसके दुकान पर भारी भीड़ इंतजार में होती है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर ये लड़की वड़ा पाव बेच रही है, भीड़ भी ठीक ठाक आ रहे हैं, तो रोने का कारण क्या है? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दें। दरअसल पूरा मामला दुकान की जगह को लेकर है। लड़की एमसीडी से परेशान है। जब से सोशल मीडिया पर वायरल हुई, इसकी मुसीबत और बढ़ गई। लड़की का नाम चंद्रिका गोरा दीक्षित है, जो अपने पति के साथ इस काम को करती है। वैसे चंद्रिका दिल्ली की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की रहने वाली हैं। शादी के बाद वो दिल्ली आ गई। यहाँ पर पहले एक फेमस फूड चैन कंपनी में काम किया, लेकिन बेटी की तबीयत खराब होने के कारण उसे और उसके पति को नौकरी से मजबूरी में छोड़ना पड़ा। कुछ वीडियोस में देखा गया कि उसके वायरल होने के बाद ठेले पर लोगों की लंबी लाइनें लग गई। लोग बड़ा पाव खाने के लिए घंटों इंतजार भी कर रहे हैं। चंद्रिका कहती हैं एमसीडी वाले उनके स्टॉल को बंद करने पर तुले हैं, पैसे देने के बावजूद वो परेशान कर रहे हैं। वीडियो में काफी जगह ये भी देखा जा सकता है कि चंद्रिका लोगों से मदद मांगती हुई भी नजर आती हैं। खैर, अब इस तरह के वीडियो अगर वायरल होते हैं तो ज्ञान देने वालों की भी भीड़ आ जाती है। ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ। इस वायरल वीडियो पर यूजर्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं। कई यूजर्स एमसीडी के स्टॉल के लिए अनुमति मांगने की सलाह दे रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।